Assalamualaikum, welcome to student tube. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज है 4.10 सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ फार्मूला. पिछला वाला एक क्वेश्चन है बट आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में है अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई एंड देन दूसरे ब्रैकेट में है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई. बिल्कुल सेम है जैसा हमारा पिछला क्वेश्चन था, उसी से बिल्कुल सेम है और फार्मूला भी तकरीबन सेम ही लगेगा, वही लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसे एक बार मज़ीद उतारेंगे क्योंकि स्टेपिंग मैथ में बहुत ज़रूरी होती है. माइनस वाई अंडर रूट एंड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई. ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखना है ये कौन से फार्मूले जैसा है. तो ये पिछले वाले ही फार्मूले की जैसा है बिल्कुल. तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले के जैसा है. ए बी और फिर बी स्क्वायर. ठीक है, अब हमने एक्स और वाई को इस फॉर्मूले की शक्ल में लिखना है. तो ये कुछ यूँ होगा, यानी कि एक्स जो है वो है हमारा, एक्स रूट जो है वो हमारा है ए क्यूब. तो यहाँ पर हमने क्यूब लगाया और फिर माइनस देन वाई स्क्वायर जो है वो है बी. ठीक है, अब यहाँ पर ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है क्योंकि यहाँ पर है स्क्वायर रूट. अब यहाँ पर स्क्वायर रूट है और ये ऊपर क्यूब दिया हुआ है तो ये कैंसिल तो नहीं हो सकता. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्यूब जो है एक्स पे अप्लाई होगा. यानी इस थ्री का मतलब है कि अंदर कितने हैं, एक्स एक्स थ्री एक्स हैं. और जब भी थ्री एक्स है यानी कि दो का सेट बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट में जब वैल्यूज़ होती हैं एक से दो हो जाती हैं तो क्या होता है, इनका सेट बन जाता है. यहाँ पर तीन है तो मतलब एक का सेट बन गया, यानी दो सेट बन गया एक. और एक जब सेट बन जाता है तो वो वेरिएबल या फिर जो नंबर होता है वो बाहर आ जाता है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बाहर आ जाएगा और एक एक्स अंदर रहेगा क्योंकि उसका कोई सेट नहीं है. इसके बाद इसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा, थ्री वाइज हैं, दो का सेट बन गया तो वो बाहर आ गया और एक अंदर ही. तो एक्स अंडर रूट एक्स माइनस वाई फिर स्क्वायर रूट एन अंदर वाई, ये है आंसर. तो हमने इसे यहाँ पर कर दिया सिंप्लीफाई. उम्मीद करती हूँ आज के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा. मज़ीद क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.